जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी जमी पे आएगी, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क, जो कि मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी ज़्यादा आता है, जैसे कि SSC CGLs, SSC CHSL और भी जितने एग्ज़ाम हैं जो कि कॉम्पिटेटिव लेवल वन डे एग्ज़ाम है उनमें आता है, RRB NTPC। ठीक है, तो अब हम जानेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हम कैसे इजिली सॉल्व करेंगे कम समय में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क, ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे होते हैं उनको पहले समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चंस, जैसे कि ए नाम का एक लड़का है किसी काम को 30 डे में करता है, और वहीं पर बी नाम का लड़का है उसी काम को 20 डे में करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि a+b दोनों मिल जाएँ तो वो जो काम है ना, कोई भी काम, जैसे घर ही बनाना है, एक ही काम है, तो कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तो तरीके हैं, लेकिन हम जो बेसिक तरीके पढ़े हैं, जैसे कि क्लास 6 या 7 में जो हम तरीके लगाते हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं कि जो ए है 30 डे में किसी काम को कर रहा है, तो 30 डे में क्या किया होगा, एक काम पूरा कंप्लीट किया होगा। ये 20 डे में एक काम किए होंगे, एक मतलब पूरा काम। तो अब बोल दिया जाए कि ए जो है 1 डे में कितना काम करेगा, तो 1 डे में कितना काम करेगा, 1/30 पार्ट करेगा। ये एक पार्ट मान लो, टोटल काम कितना है, एक यूनिट या एक पार्ट। ठीक है, हमने मान लिया, ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो हम क्लास 6 या 7 में पढ़े हैं। तो बी एक दिन में कितना पार्ट करेगा बाबू, 1/20। ए एक दिन में 1/30 पार्ट करेगा और बी एक दिन में 1/20 पार्ट करेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, यानी ए प्लस बी दोनों मिल जाए, तो एक दिन में कितना काम होगा, सोचिए एक दिन में कितना काम होगा, 1/30 पार्ट ये करेंगे, 1/20 पार्ट ये करेंगे। अब इनका एलसीएम हम निकालते हैं। जैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा आपका, यानी 5/60, दैट मींस 1/12 पार्ट्स। तो एक दिन में इन्होंने कितना पार्ट्स किया, 1/12 पार्ट्स। ठीक है, तो आपको मालूम क्या करना है कि दोनों मिलकर उसी काम को, जो एक पार्ट काम है, एक पार्ट मतलब पूरा काम भाई, एक पार्ट बोल दिया उसको हमने। ठीक है, यहाँ पर 1 यूनिट भी लिख सकते थे, मान लेते हैं टोटल काम कितना है, 1 यूनिट का है, 100 यूनिट भी लिख के कर सकते थे, लेकिन एक हमने लिख के सॉल्व किया है। ठीक है, तो एक दिन में 1/12 पार्ट्स दो लोगों ने मिलकर किया, तो एक पार्ट करने में दोनों लोगों को कितना टाइम लगेगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो भाई, यहाँ पर पार्ट है ना, तो ऐसे आप जानते हो कि 1/12 पार्ट इज इक्वल टू 1 डे। ठीक है, तो 1 पार्ट निकालना है ना, तो यहीं पर 1 रहने, तो 1 पार्ट, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 12 × 1 × 12 डे। ठीक है, तो 1 पार्ट कितने दिन में होगा, 12 डे में। तो ये तो बेसिक तरीके हैं कि हम कैसे बताएंगे कि दो लोग काम को कितने दिन में करेंगे। इसमें हम जनरली बोलते हैं कि 30 डे में 1 पार्ट काम हुआ, 1 पार्ट मतलब इन्होंने पूरा काम खत्म कर दिया, इन्होंने 20 दिन में 1 पार्ट खत्म कर दिया। तो एक दिनों में इन्होंने कितना काम किया, 1/30, यानी उस पूरे काम का 1/30 हिस्सा किया, बहुत, इन्होंने 1/20 हिस्सा किया। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 1/12 हिस्सा करेंगे पूरा। तो एक पार्ट करना है तो आप जानते हो बेसिक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक पार्ट एक यहीं पर रहने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12 डे। ठीक है, आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे पलट के 12 डे। ये तो बात रहा बेसिक्स, जो कि 6-7 में पढ़े थे। अब थोड़ा हम एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं कि एडवांस लेवल पर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो 30 डे और 20 डे है, तो आप क्या करो, जैसे यहाँ पर 1 पार्ट हमने माना है ना, तो हम यहाँ पर थोड़ा चेंजेस लाते हैं, इनका एलसीएम निकाल लो। 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, एलसीएम निकालना आपको आता है। ठीक है, 30 और 20 का एलसीएम 60 है, तो मान लेते हैं कि 60 पार्ट टोटल काम है, टोटल वर्क 60 पार्ट। ठीक है, तो ये 30 दिन में कितना पार्ट कर रहे हैं, 60 पार्ट। तो एक दिन में कितना पार्ट करेंगे ए वाले, ये 1 डे में कितना करेगा, 2 पार्ट्स, यानी 60/30 × 2 पार्ट। बी कितना करेंगे एक दिन में, तो 60/20 यानी 3 पार्ट्स। इतनी बातें क्लियर भाई, हमने बोल दिया कि 30 और 20 का एलसीएम निकालो, टोटल पावर कितना हुआ, 60 पार्ट्स। तो ए एक दिन में 2 पार्ट्स, बी एक दिन में 3 पार्ट्स। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना पार्ट्स होगा, ए और बी मिल गए, तो 1 डे में कितना पार्ट्स होगा, 2+3 यानी 5 पार्ट, 5 पार्ट होंगे दोनों मिल गए। तो जब ये 5 पार्ट होंगे, जब दोनों मिल जाएंगे तब, लेकिन हमारा टोटल काम कितना है, 60 पार्ट्स। तो भाई दोनों मिलके एक दिन में तो 5 पार्ट खत्म कर रहे हैं, लेकिन 60 पार्ट खत्म करने के लिए क्या होगा, अब इनसे डिवाइड कर देंगे, 60/5, दैट इज योर फाइनली 12 डे। बातें समझ गए। तो इसमें क्या हुआ कि जो ये फ्रैक्शन में हम लोग जो चीज़ें देख रहे थे, वो फ्रैक्शन नहीं होगा, आप सीधे जनरली ऐसे सोच सोच के कर सकते हो, आपको माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा एडवांस तरीका है, यानी एलसीएम के बेस पर हमने काम का जो यूनिट्स था उसको 60 पार्ट्स मान लिया,
या 60 यूनिट्स बोल सकते हो, ठीक है, टोटल वर्क। और यहाँ पर हमने क्या माना था, वन पार्ट, यानी मेरा काम जो है एक पार्ट है, तब फ्रैक्शन वाला तरीका लगा कर मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन इसके बेस पे बनते हैं। अब एक और चीज़ होता है, उसको समझ लीजिए, एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कोई दक्षता, यानी कार्य करने की दक्षता, अगर मान लो आप कोई किसी काम को 5 दिन में कर रहे हो, किसी काम को, आपका मित्र उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो कौन फास्टेस्ट वर्कर है, यानी कौन तेज़ी से काम कर रहा है? तो आप बोलोगे ये वाला तेज़ी से काम कर रहा है ना, ये वाला थोड़ा धीरे धीरे कर रहा है। तो इस समय जो इफ़िशेंसी है, इफ़िशेंसी मतलब कार्य करने की दक्षता, किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, यानी ये वाला ज़्यादा इफ़िशेंट पर्सन है। तो इफ़िशेंसी का रेशियो कैसे बताएंगे, यानी दोनों लोग का, भाई ये 5 दिन में कर रहे हैं या 10 दिन में? तो जब भी इनका कार्य करने की दक्षता मालूम करनी हो तो आप इनको जस्ट रिवर्स कर दो, 1/5, 1/10, और 5 और 10 कैल्शियम क्या आएगा, 10 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2:1, 10 से इसमें करना और 10 से इसमें करना, तो एफिशिएंसी क्या आ गया, 2:1, यानी ये दो पार्ट्स एक दिन में करेंगे तो ये कितना पार्ट्स करेंगे, एक पार्ट्स करेंगे, यानी इनके कार्य करने की दक्षता ज़्यादा है, ठीक है। तो जब भी एफिशिएंसी निकालना हो तो 1/day कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको सिंपल करके रेशियो में ले लेते हैं, यानी 2 पार्ट्स ये करेंगे और 1 पार्ट्स ये करेंगे। बातें क्लियर, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे पूछ दूँ कि जो इसमें एफिशिएंसी थी, इनका एफिशिएंसी क्या है, यानी 30 वाले का एफिशिएंसी क्या है, तो आप बता सकते हो क्या कर दोगे, 1/30 कर दोगे और 1/20 इनके बीच में रेशियो ले लोगे, तो क्या होगा, एलसीएम निकाल लो, 60 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2:3 आइए कि नहीं। अब यहाँ से भी समझ सकते हो, एक दिन में इन्होंने कितना काम किया, 2 पार्ट्स, बी एक दिन में कितना पार्ट्स किया, 3 पार्ट्स, तो जितना हम काम एक दिन में कर रहे हैं कितना पार्ट्स, वही इफिशियंसी कहलाती है। इसका मतलब ये एक दिन में 2 पार्ट्स करेंगे तो एक दिन में कितना पार्ट्स करेगा, 3 पार्ट्स करेंगे, यानी जितना कम दिन उतना हम ज़्यादा रोज काम कर रहे हैं, यानी ज़्यादा मोर इफिशियंट है, ठीक है। तो रिलेशन याद रखिए, एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता या दक्षता, तो 1/5, 1/10 ऐसे चलता है रिलेशन, ठीक है। तब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम समझेंगे कैसे करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, ए एलान कैन कंप्लीट ए वर्क इन 22 डेज, यानी ए एक काम को 22 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 33 दिन में कर रहा है, और दोनों एक साथ मिलकर 3 दिन तक काम को करते हैं, उसके बाद ए छोड़कर चला जाता है। तो आपसे पूछा है कितने दिन में जो बचा हुआ काम है कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, एक बार आप ट्राई कीजिए खुद। देखिए यहाँ पर दिया है, ए किसी काम को 22 दिन में करता है और बी किसी काम को 33 दिन में, 33 डे में, तो ए प्लस बी वर्क करते हैं 3 दिन तक लगातार टुगेदर एक साथ, देन ए लेफ्ट, उसके बाद ए छोड़ के चला जाता है, और पूछा है कि बी जो बचा हुआ काम है यानी रिमेनिंग वर्क, ठीक है, कितने दिन में करेगा, यानी बचा हुआ काम। तो यहाँ पर आपको कौन सा बेस्ट मेथड लगा आप उसको अप्लाई करो, लेकिन एडवांस मेथड जो मैंने बताया था कि एलसीएम के बेस पर, तो पहले इनका एलसीएम निकालो, तो कितना टोटल्स काम आएगा, 66 पार्ट, क्योंकि एलसीएम निकालना आपको आता है 22 और 33 का, यानी 66 पार्ट टोटल काम है। तो भाई ये एक दिन में इसका कितना एफिशिएंसी होगा ए का, तो ए वन डेज एफिशिएंसी क्या होगा, एज वन डे 3 पार्ट, क्योंकि 22 से 66 में डिवाइड कर देंगे, यानी 3 पार्ट्स, और बी का क्या होगा एक दिन में, तो बी का होगा 2 पार्ट्स, 33 से इसको डिवाइड किया यानी 2 पार्ट्स काम करेगा, टोटल काम यही है भाई 66 पार्ट्स है। तो दोनों मिलके एक ए और बी दोनों मिलके कितने दिन काम करेंगे, 3 + 2 यानी 5 पार्ट्स करेंगे काम, यानी दोनों मिलके 5 पार्ट्स कर दिए एक दिन में, और ये कितने दिन तक काम किए, 3 दिन लगातार, तो 3 दिन लगातार में कितना काम हो गया हुआ, तो इन 3 डेज, देखिए आप यहाँ पर लिख रहे हो ना, अब आप जब समझ जाओगे तो डायरेक्टली आप मुँह जुबानी यानी अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो, यानी 3 डे में 15 पार्ट्स कंप्लीट कर दिया है, तो बचा हुआ काम कितना है, रिमेनिंग वर्क 66 माइनस 15 पार्ट तो खत्म हो गया ना, यानी 3 दिन तक लगातार इन्होंने काम खत्म कर दिया, तो बचा कितना आपका 51, यानी 51 काम बचा है, उस 51 काम को कौन करेगा, बी करेगा, बोला ना रिमेनिंग बी, तो बी एक दिन में कितना कर रहा है, 2 पार्ट्स, ठीक है ना, बी एक दिन में 2 पार्ट्स, यानी बी का जो इफिशियंसी है वो पूरे काम में से 2 ही पार्ट्स रोज कर रहा है। भाई ये देखो ये एफिशिएंसी बता रहा है, ये 3 पार्ट्स एक दिन में, ये 2 पार्ट, तो ये एफिशिएंसी है, ठीक है। तो बी वर्क्स कितना दिन करेगा, 51 बाई एक दिन में कितना काम किया, 2 पार्ट्स, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम टेकन लिख देना, टाइम टेकन, ठीक है, तो 25.5 डेज, बस बातें क्लियर। अब आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझदार हो गए तो इजिली जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। टैंक, यानी जो टैंक होते हैं उन टैंक पर भी क्वेश्चन आते हैं, वो कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे टैंक आपका टैंक खाली है उसको भरना है हमें, ठीक है, तो भरना है तो जितने आप
पहले मान लो आपने टैप T1 लगाया, टंकी T1, दूसरा T2, ये दोनों भर रहे हैं। मान लो ये 12 घंटे में भर रहा है, ये 20 घंटे में भर रहा है, तो दोनों मिलके कितने घंटे में भरेंगे? तो इसको भी करना वही तरीका होगा। आप कैसे करोगे, इनका पहले क्या कर देना, LCM निकाल लेना। LCM कितना है? 60। तो मान लेना टोटल टैंक का पार्ट्स कितना है, 60 पार्ट्स में पूरा भर जाएगा, यानी 60 यूनिट्स का पूरा टंका है, ठीक है, हमने बोल दिया। तो पहले वाला जो टैब है, यानी पहला वाला टैब ए एक घंटे में कितना काम करेगा, 5 पार्ट्स, और बी एक घंटे में 3 पार्ट्स। बातें क्लियर? अब दोनों मिल जाएंगे तो एक घंटे में कितना काम होगा, ए प्लस बी 8 पार्ट्स। अब आपका टोटल काम कितना है, 60 पार्ट्स। ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम होगा, ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम होगा, 8 पार्ट्स, लेकिन टोटल काम कितना है आपका, 60 पार्ट्स। तो भाई नंबर ऑफ टाइम्स कितना लगेगा, बस ये बताना है आपको। तो टाइम निकालने के लिए क्या होगा, 60/8 यानी 7.5 डेज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे करोगे तो इजीली होगा। फ्रैक्शन में भी इसको कर सकते हैं, बोलोगे कि सर जी ये एक घंटे में 1/12 पार्ट्स भरेगा, ये 1/20 पार्ट्स भरेगा, फिर जोड़ोगे, फिर एक घंटे में फ्रैक्शन में आएगा। इससे बढ़िया आप LCM निकालो ना। देखो ये जो है ना ए का, ये दोनों एक घंटे में है, यानी इन वन आवर, यानी एक घंटे में कितना पार्ट्स भर रहे हैं, ये इफिशियंसी है। कोई पूछ सकता है यहाँ पर ए की इफिशियंसी ज़्यादा है कि बी की, तो भाई जो कम टाइम लेता है उसी की इफिशियंसी ज़्यादा है, ठीक है, यानी इसकी ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि ए की इफिशियंसी से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो आप बता सकते हो। तो पहले तो आपने इफिशियंसी निकाला, ए का 5 आया, बी का 3, तो कितना परसेंट ज़्यादा है ए का, तो ज़्यादा का मतलब 2 ज़्यादा है, तो 2 × 100/ ओरिजिनल अमाउंट किससे ज़्यादा है, 3 से, यानी 66.66%, इतना ज़्यादा, यानी ए मोर इफिशियंट है किससे, बी से। तो बहुत से क्वेश्चन एराइज होते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो समझ गए कि फिल करने वाले हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि उस टंकी में खाली करने वाला भी रहता है, तो खाली करने वाला मतलब माइनस करने वाला होता है, तो उसको भी समझ लेते हैं उस पर कैसे क्वेश्चन होते हैं। देखिए ए नाम का एक टैंक है जो फिल कर रहा है, ये दोनों फिलर हैं यानी भरने वाले हैं, और ये क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ये 20 आवर्स में और ये 15 आवर्स में खाली कर दे रहा है। अगर तीनों लग जाते हैं तो क्या टैंक भर जाएगा या टैंक खाली ही रहेगा, ठीक है। तो देखो, तो पहले देखो तीनों लोग हैं, यानी ये खाली करने वाला, इम्पट्टी करने वाला, तो ये भी साथ साथ चल रहा है। मान लो तीनों साथ चालू हो गए, एक साथ चालू हो गए, तो कितना काम करना पड़ेगा इनको। तो देखो इनका इनका LCM निकाल लो तीनों का, कितना हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 60 यूनिट्स LCM, ठीक है। टोटल काम कितना है मेरा, 60 पार्ट्स है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि 12 यानी 60 से डिवाइड किया, तो ए का कितना पार्ट्स भरा, एक घंटे में 5 पार्ट्स, और बी का 3 पार्ट्स, ये प्लस में होंगे, क्यों प्लस में होंगे, क्योंकि ये भर रहे हैं, ठीक है। और सी वाला क्या होगा, माइनस करेगा, क्योंकि 4 पार्ट्स तो निकाल रहा है ना, हर एक घंटे में माइनस 4 कर दे रहा है। तो एक घंटे में तीनों मिल जाए, यानी ए प्लस बी प्लस सी इन वन आवर, यानी एक घंटे में। तो एक घंटे में इन्होंने क्या किया, ये जोड़ा, ये माइनस किया, यानी 4 हटा देंगे, 5 ये भरा, लेकिन ये वाला क्या किया, माइनस, यानी एक घंटे में 4 पार्ट ही सिर्फ भरेगा, यानी पूरे टैंक में सिर्फ 4 पार्ट एक घंटे में भर गया। जब एक घंटे में 4 पार्ट्स ये भर गया, तो अगला स्टेप क्या होगा आपका, कि पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 60 पार्ट्स है, टोटल टैंक 60 पार्ट्स भरना है, तो नंबर ऑफ आवर्स कितना आवर्स लगेगा, 60/4 दैट इज 50 आवर्स, यानी टोटल आवर्स कितने लगेंगे, 50 आवर्स में पूरा टैंक भरेगा, ठीक है। बातें क्लियर? तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं, जो कि बेस्ट क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए कंसेप्ट क्या है उसके पीछे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जब भी खाली करने वाला हो तो हम क्या लगाते हैं, माइनस। और आप ये जब सीधे समझ जाओगे, LCM निकालते क्यों है, LCM इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें कैपेसिटी मालूम चल जाए कितना काम करना है, यानी 60 पार्ट्स जनरली एक सोचने का ये तरीका है। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, ए टैंक हैज़ अ लीकेज एट द बॉटम विच वुड इम्पटी द टैंक इन 24 आवर्स, ए टैप इज टर्न ऑन विच फिल्स द टैंक 15 लीटर्स पर आवर एंड द टैंक नाउ गेट्स फिल्ड इन 12 आवर्स, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। एक टैंक है जिसमें लीकेज है नीचे बॉटम में, जिसके कारण टैंक 24 घंटे में पूरा खाली हो जाता है, और एक टैप है जिसको चालू कर दिया जाता है जो टैंक को 50 लीटर पर आवर यानी एक घंटे में 50 लीटर पानी से भर देता है। तो बताइए अगर टैंक्स इस समय 12 घंटे में फिल हो जा रहा है तो उस टैंक की कैपेसिटी क्या है, यानी टैंक में कितना पानी अटेगा, यानी टैंक की कैपेसिटी क्या है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, 24 आवर्स में टैंक का पूरा पानी ख़त्म हो जा रहा है, कोई टैप है उसके कारण ख़त्म हो जा रहा है, और 50 लीटर्स पर आवर से एक भरने वाला है जो कि भर रहा है यानी फिल कर रहा है,
यानी ये फिल करने वाला है और टाइम 12 आवर्स में ये पूरा फिल हो जा रहा है, यानी 12 घंटे में टैंक पूरा फिल हो जा रहा है। तो टैंक की कैपेसिटी क्या है, ठीक है? तो पहले एक चीज़ देखो, ये 50 घंटे में 50 लीटर पर आवर, तो 12 घंटे में कितना पानी आया होगा? इन 12 आवर्स 50 × 12 यानी 600 लीटर पानी आ गया होगा। लेकिन क्या ये 600 लीटर पानी उस टैंक की कैपेसिटी होगी? नहीं, क्योंकि उस समय जो इम्पटी करने वाला है ना, वो भी चल रहा है, यानी उसके नीचे बॉटम यानी नीचे जो है वो ओपन है, यानी वहाँ से पानी निकलता जा रहा है और ये भर भी रहा है, ठीक है? तो लेकिन ये 12 घंटे में पूरा उसको भर दे रहा है, ठीक है? अब इन्होंने क्या किया, ये 24 घंटे में खाली कर रहे हैं और ये 12 घंटे में मिल्क भर दे रहा है, ठीक है? तो 12 घंटे में भरने का मतलब दोनों लोग ना, जैसे कि मान लो इस टैंक का नाम ए है और इसका नाम बी है, और ये क्या हो गया, ए प्लस बी, यही तो बात है। तो ये 12 घंटे, ये 24 घंटे, ठीक है? तो पहले हम अगर सोचें तो जब ये 12 घंटे भर रहा होगा तो ये 12 घंटे 12 घंटा खाली करने वाला काम किया होगा, इसने 12 घंटा में कुछ ना कुछ तो खाली किया होगा। तो ये 24 घंटे में पूरा खाली कर दे रहा है, तो 12 घंटे में कितना खाली किया होगा? टैप ए इन 12 आवर्स कितना खाली किया होगा? 1/2, यानी हाफ पार्ट किया होगा कि नहीं आधा? 1/2 हाफ टैंक, यानी टैंक का आधा पार्ट्स पानी ख़त्म कर दिया होगा, ठीक है? लेकिन ये 12 घंटे में पूरा इसको फिल कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? फिल कर दे रहा है, फिल मतलब भर दे रहा है। तो भाई 12 घंटे में उसने कैसे फिल किया होगा? आधा टैंक तो उसने खाली कर दिया था, यानी कहने का मतलब आधा टैंक तो पहले से गायब हो गया, अब ये 12 घंटे में एक टैंक और दिया होगा तभी तो पानी भरा होगा। जैसे आप प्रैक्टिकली सोचो, 12 घंटे में इन्होंने आधा खाली कर दिया, ठीक है? ये पानी भरता जा रहा है, देता जा रहा है, तो पानी तो आएगा लेकिन आधा खाली भी होता जाएगा। तो कहने का मतलब आधा पार्ट्स खाली करने के लिए और एक पार्ट्स भरने के लिए, तो फाइनली कितने के बराबर हो जाएगा? 600 लीटर के लिए, ठीक है? तो यहाँ से मिलेगा 3/2 पार्ट्स इक्वल टू 600 लीटर, तो वन पार्ट कितना होगा? 400 लीटर। तो उस टैंक की कैपेसिटी क्या है? 400 लीटर। अब इसको दूसरी, ये तो मैंने प्रैक्टिकली सोच के बता दिया कैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, अब जो हमने टाइम एंड वर्क जो पढ़ा था तरीका उससे करते हैं। तो 24 है और ये ए प्लस बी है, इनका एलसीएम कितना होगा? ए वाला, और ये ए प्लस बी कितने आवर्स में? 12 आवर्स में। तो इनका कैपेसिटी कितना होगा? एलसीएम निकालते थे 24 पार्ट्स है, ठीक है? तो ये 24 है, तो ए जो होगा माइनस करेगा कितना? एक पार्ट्स हर एक घंटे में, इम्पटी वाला है ना, खाली करने वाला, तो एक पार्ट्स माइनस करेगा। ये क्या करेगा? दो पार्ट्स प्लस करेगा, क्यों? क्योंकि ये 12 घंटे में भर दे रहा है, बोला है कि भर दे रहा है, यानी दो पार्ट्स प्लस करेगा ए प्लस बी, ठीक है? बातें क्लियर? तो अब देखो, जब हम ये ए प्लस बी एक घंटे में दो पार्ट्स भर रहा है, तो ये एक घंटे में एक पार्ट्स खाली कर रहा है, ठीक है? तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, यानी ये और ये, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा आपका? टू पार्ट्स माइनस वन पार्ट, ठीक है? अगर a प्लस बी में से मैं a को घटा दूं, यानी a प्लस बी माइनस, मैं क्यों घटा रहा हूं अभी समझ में आएगा आपको, इसलिए क्योंकि मुझे a b की कैपेसिटी बतानी है, b की एफिशिएंसी। a प्लस बी दो है और ये माइनस वन, यानी थ्री पार्ट्स, यानी तो b कितना करेगा? b एक घंटे में तीन पार्ट्स भर रहा होगा, यानी ये क्या कर रहा हो? भर रहा होगा। a प्लस बी क्या है भाई? खाली करने वाला a है और b भरने वाला है, ठीक है? बातें क्लियर? थ्री पार्ट्स, तो एक घंटे में थ्री पार्ट्स भर रहा होगा, तो इसको भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? 8 आवर्स। कितना लगेगा? 8 आवर्स, क्योंकि भाई बोला है ना कि अगर पूरा टैंक भरना है तो कितना टैंक का वॉल्यूम होगा। तो ये बी मान लो अकेले भर रहा है, तो एक घंटे में थ्री पार्ट्स भर रहा है, टोटल पार्ट्स कितना है? 24, यानी 8 घंटे में इन 8 आवर्स बी फिल अकेले एलॉन, अब उसके साथ कोई नहीं होगा तो फिल कर देगा। तो 8 घंटे में पूरा भर गया ना, तो एक घंटे में कितना पानी भेज रहा है? 50 लीटर भेज रहा है, तो 8 घंटे में कितना हो जाएगा? 8 × 50, यानी 400 लीटर, ठीक है? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जो आप इसको प्रैक्टिकली भी समझ के कर सकते हो, और ये तो आप समझ ही रहे हो एलसीएम वगैरह कैसे निकालते हैं, ठीक है? बातें क्लियर? तो एक चीज़ याद देखिए, जब भी खाली हो तो आप माइनस करना, ठीक है? और यहाँ पर प्लस, यहाँ देखो, ये बोला है ना कि 12 घंटे में भर दे रहा, तो हमने इसलिए प्लस का साइन लिया। अगर ए प्लस बी में से मैं ए को घटा देता हूँ तो तीन पार्ट्स आते हैं, ठीक है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, थ्री पार्ट्स। तो 8 आवर्स में बी कितना फिल करेगा? बातें क्लियर? क्योंकि 3 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि टोटल काम तो मेरा 24 ही है ना, 24 ही पार्ट्स बनना है, तो 8 घंटे में 400 लीटर, ठीक है? बातें क्लियर?
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।